यहाँ पे मुजान स्माइल करता है एंड ही सेज, वेलकम टू माय डोमेन एक्सपांशन इनफिनिटी कासल। डेमन स्लेयर सीजन 4 का फाइनल एपिसोड इज अ पीक। 2024 का सबसे बेस्ट एनिमे का ये एपिसोड अब लॉन्च हो चुका है एंड जैसे ये एनिमेशन क्वालिटी और साथ में एपिसोड के अंदर जो चीज हुई है लिटरली ब्लोन अप, पूरा का पूरा इंटरनेट इसके बारे में बात कर रहा है क्योंकि डेमन स्लेयर के इस एपिसोड के अंदर वी हैव सीन द किबुत्सुची मुजान हिमसेल्फ एंड वो सभी लोगों को ले जाता है अपने डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी कासल के अंदर। तो ये वाला एपिसोड अब तक का पीक एपिसोड है। डेमन स्लेयर के इस एपिसोड के बारे में बात करेंगे पूरा खुल के। देखो मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड किया था बट रिएक्शन में बहुत ही कुछ प्रॉब्लम हो गई, लिटरली आई मेस्ड अप। तो देखो ये जो फाइनल एपिसोड है वो 40 मिनट का है, अपने लिए तो बल्ले बल्ले लेकिन फिर भी 40 मिनट में से 20 मिनट खाली उबायशी की और मुजान की बातें ही चल रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं उबायशी की मुजान को बोलता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, जिसके बाद मुजान बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आगे मुजान और उबायशी की बहुत सारी बातें करते हैं, वैसे तो ज्यादा उबायशी की बोल रहा होता है, वो अपने मन की जितनी भी भड़ास थी वैसे फाइटिंग के फॉर्म में नहीं ना ही गुस्से के फॉर्म में, आराम से इत्मीनान से प्यार से बता रहा होता है क्योंकि उसने विलेन सागा देख रखा है। वो बोलता है कि हमारी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लड लाइन पे एक कर्ज चढ़ चुका है जब से तुम पैदा हुए हो 1000 साल पहले। अब उबायशी की बोलता है कि मुजान भी उसकी ही ब्लड लाइन से आता है। वो एक्सप्लेन कर रहा है मुजान को कि तू भी मेरी ब्लड लाइन से ही आता है बट 1000 साल पहले से तो हमारा इतना कुछ रिलेशन है नहीं। मुजान यहाँ पे अपनी बातें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, एक्सप्लेन तो नहीं रोस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे बोलता है कि मैं देख यहाँ पे फुल जवान लौंडा बैठा हूँ, मेरी आंखें देख, मेरी बॉडी देख, बाल तो भाई माइकल जैक्सन, लेकिन तू देख खुद को तो अपनी जवानी के अंदर भी एकदम बुढ़े जैसा लग रहा है एंड साथ में यू आर गोना डाई सून। तो देखो अपन यहाँ पे उबायशी के और मुजान की बातों को लेकर पूरा खींचने वाले नहीं है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। उबायशी की मुजान को बोलता है कि तू इटर्निटी चाहता है राइट, इटर्निटी यानी इमोर्टेलिटी एंड यहाँ पे मुजान बोलता है बिल्कुल एंड मैं वो ड्रीम को पाकर रहूंगा जब मुझे नेज़ुको मिल जाएगी। अब उबायशी की बोलता है कि मुझे पता है कि ट्रू इमोर्टेलिटी इटर्निटी क्या है। वो इमोर्टिलिटी बॉडी से नहीं आती है, वो आती है फीलिंग से, जो लोगों की फीलिंग्स है वही इमोर्टल रहती है, वही इटर्निटी तक चलती है, बाकी ह्यूमन का भी इमोर्टल नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे मुजान बोलता है ओके सो क्या करना चाहिए तुझे खत्म, एंड मुजान उसको खत्म करने के लिए जाता है एंड देन देयर इज अ बैंगर। उबायशी के ने यहाँ पे पहले से प्लान करके रखा था कि भाई जैसे ही अपना माइकल जैक्सन यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड करेगा He is gonna blow the whole mansion. And यहाँ पे सबसे पहले तो मुजान ये देखकर शॉक था कि यहाँ पे खाली उबायशी की उसकी वाइफ और दोनों बच्चे हैं एंड द किड्स आर इग्नोरिंग हिम बहुत बैडली, मतलब इज्जत ही नहीं है। अब मुजान ये सब काफी सोच रहा होता है कि भाई अकेला कैसे रह रहा है, मतलब इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना ही कोई हाशिरा है ना ही कोई डीमन स्लेयर कॉप का है, लेकिन उबायशी का प्लान कुछ ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे था। ही इज नॉट आइजन बट थोड़ा सा आइजन का ड्रॉप उसमें डाल देते हैं। यहाँ पे उबायशी की अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल करता है, एक बहुत ही बड़ा बैंगर ब्लास्ट करता है। यहाँ पे अब शुरुआत होती है अपने एओटी की, डेमन स्लेयर इन्फ्यूजन ऑफ एओटी। हमारे सभी हाशिराज भागते हुए जा रहे थे मेंशन के पास अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन जब तक वो लोग पहुंचते ब्लास्ट हो जाता है, वो लोग खत्म। मुजान भी उसके अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है बट मुजान की बॉडी बिल्कुल कोलोसल टाइटन के बच्चे जैसी हो जाती है बट वो अपने आप को रिकवर करता है एंड नाउ ही इज फुल्ली रिकवर्ड। लेकिन तभी तमाव हमला करती है मुजान के ऊपर अपने ब्लड डीमन आर्ट से एंड यहाँ पर मुजान को पियर्स कर देती है बहुत सारे भालों के स्टाइल में एंड यहाँ पर मुजान अब फंस चुका था, उससे बाहर निकला नहीं जा रहा था। लेकिन तभी टमाओ अपनी फिस्ट को मुजान के पेट में घुसा देती है एंड देन मुजान उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। टमाओ बोलती है तूने मेरी फिस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन तुझे पता है कि उस फिस्ट में क्या था, एंड मुजान भी लाइक क्या था, एंड जिसके बाद टमाओ एक्सप्लेन करती है कि उसकी फिस्ट में एक ऐसी मेडिसिन थी जिससे डीमन भी ह्यूमन बन सके। अब जब मुजान उसको अब्सॉर्ब कर लिया है इसका मतलब यह है कि अब वो धीरे धीरे डीमन से ह्यूमन फॉर्म में जाने लगेगा एंड यहाँ पे मुजान भी शॉक, भाई ऐसी मेडिसिन भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके बाद मुजान और टमाओ में थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, मुजान यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बट शी डिडंट इवन हेजिटेट, वो बोलती है कि मैं तेरे साथ मरूंगी एंड देन Here come the strongest Hashira. Here come the Gyome. And Gyome आते ही भाई खत्म, मुजान का गला काट देता है। तो देखो अपने स्टोन हाशिरा ग्योमे को पहले से यहाँ पे उबायशी ने बता रखा था कि मुजान गर्दन कटने पे नहीं मरेगा। ग्योमे को एक्सप्लेन करता है कि अगर मुजान गला कटने पे नहीं मरता है तो तुम्हें उसको सुबह तक अंटिल सनराइज मुजान से फाइट करते करते उसे वहीं पे रखना है ताकि सनलाइट उस पे पड़े एंड वो खत्म हो जाए। बट यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होने वाली है। अब ग्योमे और मुजान में फाइट चल रही होती है, मुजान अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, ग्योमे यहाँ पे अपने अटैक का, भाई अपने
अपने हथियार से फाइट कर रहा होता है एंड दिस सीन इज रियली गूज़बम्प्स क्योंकि ये बिल्कुल टेंगेन वर्सेस ग्योतारी की फाइट लगती है, बिल्कुल सेम एनिमेशन बट डिफरेंट स्टाइल के अंदर। अब ग्योमे और मुजान की फाइट यहाँ पे चल रही होती है एंड बाकी सभी हाशिराज भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं एंड सभी मुजान को घेर लेते हैं। अब तांजिरो के साथ साथ सभी हाशिराज मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं अपनी अपनी ब्रीदिंग स्टाइल के साथ एंड देन यहाँ पे आता है हिनोकामी कागुरा तांजिरो का एंड सभी ब्रीदिंग स्टाइल के साथ वो लोग हमला करते हैं एंड दिस सीन इज रियली एपिक। जिसके बाद जैसे वो लोग हमला करते हैं यहाँ पे मुजान स्माइल करता है एंड ही सेज वेलकम टू माय डोमेन एक्सपांशन इन्फिनिटी कासल और उनको ले जाता है इन्फिनिटी कासल के अंदर। लिटरली भाई अगर तुमने मेरा रिएक्शन देखा होता ना तुम लोग भी शॉक हो जाते, भाई साहब क्या ही एनिमेशन और साथ में क्या ही प्योर गूज़बम्प्स। तो देखो स्पॉइलर तो हर किसी को मिल जाते हैं, एंडिंग तो पता ही है क्या होने वाली है, इफ यू नो यू नो, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुजान सबको ले जाता है इन्फिनिटी कासल के अंदर विदाउट इवन हेजिटेटिंग, वो सबको एक एक करके अंदर बुला रहा होता है, सभी लोग वहां से बारिश की तरह बरस रहे होते हैं एंड इन्हें उसके यहाँ पे खाना खा रहा होता है एंड ही लाइक व्हाट द हेक। अब सभी हाशिराज के साथ सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ यहाँ पे इनोस्के और ज़ेनित्सु सभी लोग एंट्री मारते हैं बट एक चीज जो कि मुझे अब तक की बेस्ट चीज लगी, ज़ेनित्सु इज नॉट फियरिंग। भाई साहब बंदा इमोर्टलिटी को फेस करने वाला है बट ही इज नॉट इवन फियर्ड, उसके अंदर फियर्ड का इतना सा भी तुम्हें चीज नहीं दिखेगा। सबसे पहले तो मुझे लगा कि भाई सोते हुए आ रहा है बट देन ही ओपन्स हिज आईज, ज़ेनित्सु इज नाउ गोना बी अ ब्रोकन कैरेक्टर। सभी लोग पहुंच चुके थे इन्फिनिटी कासल के अंदर, यहाँ पर मुजान देखता है तांजिरो को, तांजिरो उसे बोलता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार कर रहूंगा। मुजान बोलता है कि नहीं, आज तो मैं तुम सभी को अपने कासल के अंदर मारने वाला हूँ। लेकिन तभी मुजान एक बहुत ही एपिक लाइन बोलता है, वो बोलता है कि रोक सको तो रोक लो कामाडो तांजिरो एंड भाई जैसे वो पूरा नाम लेता है ना तांजिरो का आई एम लाइक गूज़बम्प्स एंड नाउ द एपिसोड एंड्स हियर एंड इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हमें ट्रिलॉजी देखने मिलेगी तीन मूवीज की। तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ इन्फिनिटी कासल के लिए जिसके अंदर तुम्हें बैंगर ही बैंगर देखने मिलने वाला है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग ने लास्ट एपिसोड इतना ऑसम बनाया तो उनकी फाइट कितनी ज्यादा ऑसम बनाएंगे। इट वॉज रियली अ पीक एपिसोड। तो हाँ एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है एंड वीडियो भी, मिलते हैं जल्दी ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ एंड यू नो व्हाट, एक बहुत ही तगड़ा एनिमे रिकमेंडेशन आने वाला है लेटेस्ट एनिमे का। तो हाँ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।